चेहरे पे आपके इतने दाग धब्बे फ्रेकल्स कैसे हो रहे हैं? हाँ यार, क्या करूं मैं इन दाग धब्बों से छुटकारा पाने के लिए? उपाय तो है मेरे पास, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ेगा। हाँ यार, क्या उपाय है? अभी बताती हूँ मैं आपको, चिंता मत करो। जब आपने मुझे बता दी अपनी परेशानी, तो मेरे पास मेरा फर्ज है सोल्यूशन ढूंढना। वैसे ये कुर्ता बड़ा सुंदर लग रहा है, कौन से ब्रांड का है? सीवा का। शिवा के कपड़े मतलब पैसे वाली है, इसे अच्छी तरह बेवकूफ बना सकती हूँ मैं। आप वो पूछ रहे थे ना रेमेडी, तो आप ना हफ्ते में 2 फेशियल कम से कम करा लोगे ना मेरे से, फ्रेंच फेशियल? 5,000 रुपए लगेंगे, लेकिन 2 महीने के अंदर आपका चेहरा बल्ब की तरह चमक जाएगा और बिल्कुल पहचान नहीं आओगे आप। 5,000, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गए? थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है? देखो वैसे तो मैं कम ही कह रही हूँ, लेकिन अगर आप इतना कह रहे हो तो चलो 4,500 कर दूंगी, लेकिन मेरे अपनी जेब से जाएंगे पैसे। लेकिन आप पुराने कस्टमर हो तो इतना तो कर ही सकती हूँ मैं आपके लिए। तो मैं अभी स्लिप काट देती हूँ, हफ्ते की 2 फेशियल 5,000 वाले, कुछ पैसे एडवांस जमा करा देना। ठीक है। 2 महीने में 72,000, वाओ। हाय एवरीवन, मैं हूँ अनुपमा और आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ बहुत आसानी से दाग धब्बों, पिगमेंटेशन और फ्रेकल्स वगैरह से छुटकारा पाने का उपाय। जी हाँ, जैसे ही दाग धब्बों से छुटकारा पाने की बात आती है तो बहुत सारी चीजें ख्याल आती है, जैसे की यूट्यूब की वीडियोज जिसमें होता है हल्दी लगा लो, प्याज लगा लो, लहसुन लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं तो स्किन नहीं उतार लो। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं बताने वाली हूँ। या तो फिर दूसरा उपाय हमारे समझ में आता है, जो आसपास की लोकल पार्लर वाली होती है वो आपको महंगी महंगी चीजें बताएगी, महंगे फेशियल्स बताएगी, इस बार करवा लो फेशियल, फिर दाग धब्बा हल्का हो जाएगा, अगली बार और हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते आपको बहुत लंबा चौड़ा बिल बन जाता है। और अगर आपको बहुत जल्दी छुटकारा पाना होता है, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए होता है, तो फिर तीसरा उपाय जो काफी एक्सपेंसिव होता है वो है लेजर ट्रीटमेंट। जो कि लेजर ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव तो है ही, लेकिन साथ में उसके बाद आपको बहुत सारी दिक्कतें आती है स्किन से रिलेटेड। आप डायरेक्ट सन में नहीं जा सकते, या सनस्क्रीन लगा के भी सन में नहीं जा सकते। आपको एक मतलब रानियों वाली लाइफ जीनी पड़ती है कि एकदम छुप छुप के या शेड में चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताने वाली हूँ, बहुत सिंपल तरीका बताने वाली हूँ जो कि मेरे जैसे आलसी लोगों के लिए भी काफी इफेक्टिव है। मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक फेस सीरम की, जो कि ना केवल आपके फेस से दाग धब्बे हटाएगा, फ्रेकल्स हटाएगा, पिगमेंटेशन मार्क्स हटाएगा, बल्कि आपके स्किन टोन को, आपके स्किन टेक्सचर को भी अच्छा करेगा। और साथ में इसका एक और प्लस पॉइंट है कि आपके स्किन शेड को थोड़ा सा लाइट भी करेगा। जी हाँ, मैं इसी सीरम की बात कर रही हूँ। ये है ब्रिलियंट इंटेंस ब्राइटनिंग सीरम, जो कि आपके फेस के दाग धब्बे फ्रेकल्स बहुत जल्दी हटाएगा और साथ के साथ आपके स्किन टेक्सचर को भी अच्छा करेगा, और आपका जो स्किन टोन है, आपका स्किन शेड है, वो भी थोड़ा सा ब्राइट करेगा। और इंडियन होने के नाते तो इतना तो चलता ही है कि गोरा होना किसी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ मैं बिल्कुल कलर से रिलेटेड नहीं बात कर रही हूँ कि आपको गोरा होना चाहिए, काला होना चाहिए, जो आपका नेचुरल कलर है वो सही है, लेकिन दाग धब्बे नेचुरल नहीं है तो इसलिए उनको हटाना जरूरी है। तो ये सीरम जो है ये काफी लाइट वेट सीरम है, जैसे आप इसे लगाएंगे फेस पे ऐसा लगेगा बिल्कुल कुछ नहीं लगाया, ऐसा नहीं लगेगा। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे कि दाग धब्बे हटाने वाली, ऐसा लगता है कि फेस पे कुछ भारी भरकम सी चीज पोत ली है, तो ऐसा बिल्कुल ही फील नहीं आएगा। और खास करके जैसे अगर आप घर पे रहते हैं तो भी आपको ये नहीं फील आएगा कि हाँ आपने घर पे बहुत सारा कुछ ऐसे लगा रखा है। और अगर आप ऑफिस जाती हैं तब तो आपके लिए और अच्छा है कि आपको धूप में जाना पड़ता है, हर चीज फेस करनी पड़ती है, स्किन आपकी हर कुछ धूप धूल पोल्यूशन फेस करती है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा सीरम है। इसको लगाने के लिए दिन में आप 2 टाइम लगाएंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। अगर आपके फेस पे काफी ज्यादा दाग धब्बे हैं, स्किन टेक्सचर काफी खराब हो रहा है, तो आप इसको 2 टाइम यूज करें, नहीं तो नॉर्मल थोड़े बहुत दाग धब्बे हैं तो उसके लिए आप इसे 1 टाइम भी यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं लगाने का तरीका बता देती हूँ। किसी भी माइल्ड फेस वॉश से सबसे पहले फेस वॉश कर लेंगे, जैसे सुबह सो के उठते ही, उसके बाद आपको टॉवल से बिल्कुल इसको पैन ड्राई करना है, बिल्कुल रगड़ना नहीं है, जंग नहीं लड़नी है, इस तरीके से फेस का जो पानी सूख जाए 2-4 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब फेस का पानी सूख जाए उसके बाद हमें सीरम यूज करना है। उसके बाद ये सीरम की 4 से 6 बूंदे हमें अपने फिंगर्स पे, फिंगर टिप पे लेनी है। अब इसको जेंटली हमें अपने फेस पे अपवर्ड सर्कुलर मोशन में इस तरीके से लगाना है, और बिल्कुल जेंटली हमें फेस पे लगाना है, बहुत जोर की मसाज नहीं करना, और ये बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इस तरीके से लगाना है हमें अपवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ नहीं करना, नहीं तो पता लगे फ्रेकल्स चले जाए, रिंकल्स पड़ जाए। तो फेस पे कभी भी कोई क्रीम भी लगाते हैं तो उसको इस तरीके से लगाना है जिससे कि रिंकल्स वगैरह ना पड़े।
और ये बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब हो रहा है स्किन में, और बिल्कुल ऐसा फील नहीं आ रहा मुझे कि हाँ कुछ स्किन पे मैंने लाद रखा है, और एक ठंडी ठंडी फीलिंग आ रही है और खुशबू इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना, दाग धब्बे हटाने वाली कोई इस टाइप की चीज होती है, उसकी स्मेल इतनी गंदी होती है उसको लगाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसकी स्मेल बहुत अच्छी है और ये स्किन में एब्जॉर्ब हो गया और स्किन मुझे अच्छी सी फील हो रही है। ब्रिलियंट इंटेंस ब्राइटनिंग सीरम, ये आपकी स्किन पे दाग धब्बे फ्रैकल्स इन सब के निशान हटाता है और ये काफ़ी फास्ट एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में और काफ़ी डीपली पेनिट्रेट करता है, और इसमें ना पैराबिन है, ना कलर एडिक्टिव, ना सल्फेट, जिसकी वजह से ये स्किन के लिए काफ़ी सेफ है और आप इसे डेली बेसिस पे दो बार यूज कर सकते हैं और बहुत जल्दी दाग धब्बों से छुटकारा पा सकते हैं। यही सिंपल तरीका है इसको लगाने का और इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। सेम इसी तरीके से इसको शाम को भी यूज करना है, जैसे मैंने अभी आपको यूज करके बताया, फेस वॉश करने के बाद कोई माइल्ड सा फेस वॉश कर लीजिए, उसके बाद आपको ये लगाना है और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। 10 से 15 दिनों के अंदर ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लग जाएगा। हर कोई आपसे पूछेगा कि स्किन कैसे आपकी इतनी ब्राइट होती जा रही है, लाइट होती जा रही है, दाग धब्बे कहाँ गायब हो गए, और इसका ये सीक्रेट है जो कि सिर्फ आपको पता होगा। आई थिंक इससे अच्छा, सस्ता और इफेक्टिव कुछ नहीं हो सकता दाग धब्बों से छुटकारा पाने के लिए, और है ये सिर्फ 599 रुपीज की। जी हाँ, ये 50 ml की बॉटल है 599 रुपीज की। 599 ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, एक बार आप बाहर चले जाएं कॉफी शॉप पे ही खत्म हो जाते हैं, इससे ज्यादा ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर एक बार आपने ये परचेज कर लिया, ये 50 ml की बॉटल है, ये आपकी आई थिंक 1 month चल जाएगी। डिपेंड करता है कि आपके फेस पे कितने दाग धब्बे हैं, उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा घटा सकते हैं। फेस सीरम का बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से परचेज कर सकते हैं, और कमेंट के टॉप कमेंट में भी दे दिया, और अपना जो भी रिजल्ट है आपका ये लगाने के बाद, आपके स्किन में क्या बदलाव आया वो जरूर मेरे साथ शेयर करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और जो भी आपके बिफोर आफ्टर की पिक्चर है वो आप चाहे तो मुझे टैग करके भेज सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफी यूजफुल होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है, या कोई और वीडियो भी यूजफुल लगती है सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।